जैसा कि आप देख ही रहे हैं, जो आप देख रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा मैं बोलूं उचित नहीं होगा, लेकिन एक संगम आप देख रहे हैं और इस संगम के विषय में कई कयास आप लोग लगा रहे थे। आज सारे कयास ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको पहले सलमान साहब देंगे और उसके बाद उमर अब्दुल्ला जी देंगे। मैं सलमान साहब से आग्रह करूँगा कि वो हमारे इस गठबंधन के विषय में आपसे दो शब्द कहें। आप लोगों को यहाँ आने पर मेरा धन्यवाद। आप बहुत दिन से सुनना चाह रहे थे कि जगह जगह प्रांतों में जो हमारी चर्चाएं चल रही थी उनको हम कहाँ तक सफल कर पाएंगे या सफल हमने कर लिया है। उसमें एक बहुत प्रमुख आपकी जिज्ञासा थी कि जम्मू कश्मीर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का वैसे हर मामले में एक विशेष महत्व रहता है और जो संदेश जम्मू कश्मीर से जाता है, मैं मानता हूँ वो संदेश बहुत दूर तक पहुँचता है। आज हमें खुशी है और मैं चाहूँगा कि अपने ही शब्दों में उमर अब्दुल्ला साहब इस अच्छी खबर को, शुभ खबर को आपके सामने रखें और बताएं कि उनके मन में क्या सपना है, इसको साकार हम लोग कैसे करेंगे। मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमने और सब ने मिलकर जो अलायंस की टीम है उसमें मुकुल जी और सब लोग रहे, सब ने बड़ा प्रयास किया कि किसी ना किसी तरह से जल्द हम ये कर दें और आज वो कामयाबी के स्थान पर हम लोग पहुँचे हैं। खुशी का मौका है और खुशी के इस मौके पर मैं आप सबको उम्मीद करता हूँ कि इसका अच्छा प्रचार प्रसार आप लोग करेंगे। मैं अब निवेदन करूँगा उमर अब्दुल्ला साहब से कि वो अपने विचार रखें और इसकी औपचारिक घोषणा करें। मैं सलमान खुर्शीद साहब का और पवन जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और आज बड़ी खुशी से फॉर्मली मैं इस चीज़ का ऐलान करते जा रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर लद्दाख की जो 6 सीटें हैं यहाँ पे हम मिलके इलेक्शन लड़ेंगे। 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे और 3 सीटों पे हम कांग्रेस के उम्मीदवारों की मदद करेंगे। फ़िलहाल 3 उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो हो चुका है, उधमपुर से लाल सिंह जी, जम्मू से रमन भल्ला जी और अनंतनाग पीर पंचाल से मियां अल्ताफ साहब। बाकी जो 3 सीटें बची हुई हैं, बारामूला, श्रीनगर और लद्दाख की सीट, इन पे भी जल्द से जल्द जो है उम्मीदवारों का ऐलान होगा और हम मिलके हमारी मुकम्मल कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 सीटों पे इंडिया अलायंस की जो ये हमारी 6 उम्मीदवार हैं, हम यहाँ से कामयाब होके अगले पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों की जो उनके जज्बात हैं, उनके जो इरादे हैं, उनकी हम सही माने में वहाँ पे तर्जुमानी कर सकें। देखिए, PDP हमारे अलायंस में है। सीट एडजस्टमेंट एक हिस्सा होता है अलायंस का और ओवरऑल अलायंस एक और हिस्सा होता है। अब आप जानते हैं कि बहुत छोटा सा प्रदेश है, छोटा प्रांत है, उसमें 3 सिटिंग MLA MP थे आपकी पार्टी के और इसलिए आपके कार्यकर्ताओं ने और वर्कर्स ने ये चाहा कि जो लोग जीत चुके हैं वहाँ पर इनका वर्चस्व बना रहे। उसको स्वीकार किया गया क्योंकि छोटी सी जगह पर गुंजाइश सीटों के बंटवारे की और कुछ नहीं दिखी। हमने सारे प्रयास किए, आपने भी बात करी, हमने भी बात करी, सारे प्रयास किए, लेकिन आज की जो स्थिति है वो मैं आपके सामने रखी है। लेकिन सलमान साहब, महबूबा मुफ्ती ने खुद ऐलान कर दिया है, एक एक करके चुनाव लड़ रही हैं, एक एक करके। नहीं नहीं, सुनिए, आपको मिली और कौन सी, इनको एक तो बता दीजिए। नहीं नहीं, आपने बताया ना, आपने बताया कि जो देखिए, हाँ बता दीजिए, उधमपुर की सीट, जम्मू की सीट और लद्दाख की सीट पे कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे
और अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर की सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं ना? उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से श्रीनगर में बुलाई जाएगी। आप आ जाइए ना, कभी भी शौक से आइए। कनिका, आप कुछ? महबूबा मुफ्ती ने खुद ऐलान कर दिया है कि वो खुद चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने उम्मीदवारी का अपना ऐलान कर दिया, बाकी उम्मीदवार भी ऐलान कर दिया है। तो जो एक सीट वो मांग रही थी, क्या वजह हुई इस पर बात नहीं बन पाई, और क्या कांग्रेस किस तरीके से उनको मनाएगी, कैसे वो इंडिया अलायंस का हिस्सा होंगी? देखिए, अलायंस कैसे बरकरार रहे और अलायंस में किससे क्या कुछ बात हो सकती है या होनी चाहिए, वो आगे की बात है। आज सीट का डिस्ट्रीब्यूशन और सीट का एक फैसला हो चुका है, कई दिन से हो रहा था, आज उसकी औपचारिक घोषणा की गई है। तो जैसा मैंने कहा कि अलायंस में और सीट एडजस्टमेंट में या सीट डिस्ट्रीब्यूशन में दो अलग अलग पहलू हैं। तो एक पहलू है जिसके बारे में आज हम यहाँ पर अनाउंस करने के लिए आए हैं। अलायंस की जी औपचारिकताएं होती हैं और अलायंस की और जो बातें होती हैं वो हमारे लेवल की नहीं हैं, वो हमारे लीडरशिप के लेवल की हैं, वो जब जब जो कुछ होगा वो आपको बताते रहेंगे। आप कुछ और बोल रहे हैं थोड़ा? तो जैसा कि सलमान साहब ने बताया, अलायंस एक लंबा सफ़र होता है, उसमें अलग अलग पड़ाव होते हैं, तो अभी तो शुरुआत है इस सफ़र की, कई पड़ाव आएंगे, बार बार आपसे मुलाकात होगी, नए इब्तदाई इश्क होंगी, इब्तदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या, और कौन रोएगा उसमें वो आपको मालूम है। हम तो मुस्कुरा रहे हैं यहाँ जो बैठे हैं, रोने वाले आज कहीं घूम रहे हैं, चंद्रपुर वंदरपुर कहीं। गठबंधन सिर्फ लोकसभा तक सीमित रहेगा या विधानसभा तक भी ये जाएगा? पहले इसमें हम कामयाबी हासिल करें, विधानसभा के इलेक्शन की तो लगभग घोषणा हो चुकी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी इस बात की तरफ इशारा किया है, और पिछले दिनों गृह मंत्री साहब ने भी इंटरव्यू के दौरान कहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो वक्त की सीमा लगाई गई है 30 सितंबर की, उससे पहले ही विधानसभा का जो चुनाव का प्रोसेस है वो मुकम्मल किया जाएगा। फिलहाल हमारी मुकम्मल तवज्जो जो है वो इन 6 सीटों पे है, मिलके हम इन 6 सीटों पे कामयाबी हासिल करेंगे, उसके बाद विधानसभा के लिए जो हमें फिर कदम उठाने होंगे मिल बैठ के, उस वक्त भी कोशिश यही की जाएगी कि हम इस तरह का एक फॉर्मूला इख्तियार करें जिससे कि बीजेपी और बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उनको किसी तरह का स्पेस ना मिले। हमने अपने तरफ से कांग्रेस की कामयाबी के लिए जो है अपना काम शुरू कर लिया है, दोनों लाल सिंह के लिए जी और रमन भल्ला साहब के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से कैंपेन शुरू हो चुका है। पिछले दिनों जब रमन भल्ला साहब अपने नॉमिनेशन फॉर्म भरने गए तो खुद उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब मौके पर मौजूद थे, और इसी तरह हम कांग्रेस की जो जम्मू कश्मीर में स्टेट लीडरशिप है उनसे भी उम्मीद करेंगे कि आगे जाके जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन फॉर्म भरने का काम करेंगे तो उसमें जो इनके सीनियर लीडर होंगे वो उसमें हमारे साथ शामिल रहेंगे। विक्रांत नहीं, कोई संदेश नहीं, हमने कोशिश की थी कि मिलके ये इलेक्शन लड़ें, लेकिन जैसे सलमान खुर्शीद साहब ने खुद कहा 6 सीटों पे जिस पे कि 3 पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थे गुंजाइश कम थी, हमने उस वक्त भी ये चाहा था कि इस इलेक्शन में वो हमारी मदद करें, और ये भी हमने कहा कि आने वाले विधानसभा के लिए जो है हम दरवाज़ा खुला रख रहे हैं। उनको शायद ये बात उस वक्त ठीक लगी नहीं, आगे जाके विधानसभा को लेके कांग्रेस के साथ उनकी क्या बातचीत रहेगी वो पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद ये दोनों पार्टीज़ जो हैं पीडीपी और कांग्रेस ये खुद तय कर लेंगे। फिलहाल पार्लियामेंट की हम बात करेंगे, इन 6 सीटों पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है, मिलके हम इन 6 सीटों के जो हमारी उम्मीदवार हैं उनकी कामयाबी के लिए काम करेंगे। दिन अब शौक से लड़ें, यही तो जमहूरियत है, हम चाहते हैं कि सब लड़ें। अफसोस इस बात का है कि जिस सीट पे
आज़ाद साहब के जीतने की ज़्यादा गुंजाइश थी, उस सीट पर लड़ नहीं रहे। वैसे आते तो डोडा से हैं, पिछली बार जब कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे 2014 में तो डोडा से लड़े थे, किस वजह से इस बार डोडा की सीट छोड़ के वो अनंतनाग पर लड़ने की बात कर रहे हैं, उसका जवाब तो आज़ाद साहब ही दे सकते हैं। ना इनडायरेक्ट कहाँ, डायरेक्ट ही समझ लीजिए, डायरेक्ट ही समझ लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर वो खुद डोडा से हैं, उस पूरे बेल्ट पे उनका ठीक ठाक असर रसूख 2014 पे देखने को मिला, जाहिर सी बात है कि अगर वहाँ से इस बार लड़ते तो नुकसान ज़्यादा बीजेपी को होता। अनंतनाग से क्यों लड़ने का फैसला लिया, ये सवाल तो सिर्फ आज़ाद साहब ही इसका जवाब दे सकते हैं। बोलिए जा साहब। सवाल है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे पीएम लगातार कह रहे हैं, ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो ऐसा लगता है ये इतना अच्छा मैनिफेस्टो हमने 25-30 साल में नहीं बनाया है, जो आज आम जनता के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए जो मैनिफेस्टो बना है, उनको वही दिखता है जो उनके मन में है, और कुछ नहीं दिखता है। तो हम बड़ा स्पष्ट कर देते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टो है, दूरदर्शी मैनिफेस्टो है, और ये मैनिफेस्टो किस कैसा कैसा कमाल करके दिखाएगा ये आने वाले समय में आप देखेंगे। और वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी को शायद मुस्लिम लीग का वो मैनिफेस्टो उन्होंने पढ़ा होगा, हमने तो नहीं पढ़ा। और उस वक्त की जो मुस्लिम लीग थी, उस वक्त की हिंदू महासभा मिलकर जुगलबंदी करते थे, वो जुगलबंदी आज तक प्रधानमंत्री चलाए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री अपना संविधान पढ़ लें, वो ज़्यादा कृपा होगी इस देश पर, बजाय इसके कि उस वक्त की मुस्लिम लीग का अभी भी उन रट रहे हैं मैनिफेस्टो, वो ठीक नहीं कर रहे देश के लिए भी और संविधान के लिए भी। मैं समझा नहीं, क्या दूसरे स्टेट में भी आते आने से इंपैक्ट पड़ेगा? क्यों नहीं, इसका जवाब उमर साहब थोड़े देंगे, सलमान जी देंगे। हम लोग देंगे कि हमने बहुत सोच समझ के और बहुत गहराई में जाकर हमने ये समझौता किया है, इसलिए कि हम मानते हैं कि कश्मीर, जैसे मैंने शुरू में कहा था, कश्मीर का विशेष महत्व है, और वो सिर्फ एक अलायंस, एक सीटों का अलायंस नहीं है, बल्कि विचारों का एक अलायंस है, ताकि इस देश को सही दिशा के विचार मिल सकें। वो कैसे होगा, जिसमें कि सब सम्मिलित हों, सब उसमें इकट्ठे हों, सब उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करें, ये मैं समझता हूँ कि कश्मीर में इस अलायंस का एक बड़ा महत्व है। और ये देयर आर डिफरेंट परसेप्शंस इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 370, योर पार्टी सेज नाउ फुल स्टेट हो, यू अंडरस्टूड इट इन, बट उमर साहब पार्टी स्टिल बिलीव दैट आर्टिकल 370 शुड नॉट हैव हैपेंड। नो, मेनी पार्टीज थिंक दैट इट शुड नॉट हैव हैपेंड, एंड इट शुड नॉट हैव हैपेंड इन द मैनर इन व्हिच इट हैज हैपेंड। The point is, we have to move forward. How much they can move forward, how much we can move forward, this will all depend on the interaction with our cadres, with our people, with our voters, etc. Because the choice of the voter and the feelings of the voter is paramount. So we can't, in a vacuum, we can't say that, look, this is what you have to accept. If there is something that we need to respond to, or we ought to respond to, that we will see when the time comes. And on this, will this alliance carry on for the assembly elections, and will the PDP come? And just to add, you know, just because Mr. Azad has said he's backing out from Anantnag, he's told our colleague very categorically that he has not taken a decision. Well, that's strange, because just recently his party held a press conference during which his candidature was announced. So to now suggest that he's not taken a decision would be a bit disingenuous and perhaps a bit dishonest. His party had categorically announced his candidature from Anantnag. The fact that he's not fighting would suggest that the BJP has calculated that his remaining in the fray would be detrimental to their interests, and has perhaps suggested to him that not fighting would be the better course of action. But either way, it's shaping up to be an interesting election. The BJP is pulling out all the stops to bring the parties that it supports in Kashmir particularly on a single platform,
we had the visuals of the BJP General Secretary, Mr. Chugh, coming out from Altaf Bukhari's residence in Srinagar, making it very obvious what the BJP and its allied parties are going to do there. Our interest as allies in this election is to ensure that the BJP's plans fail entirely in all six seats. As far as the assembly is concerned, I've already said that it is, I mean, that's a chapter we will definitely start once we're done with this. But at the moment, I think it's fair that we focus our complete attention on securing a victory in these six seats, for which a good beginning has been made. And I'll be honest with you, the sort of response we've seen both in Jammu and Udhampur for the Congress candidates has been extremely encouraging. सवाल ये है, सिर्फ गुलाम नबी आजाद का सवाल नहीं है, सवाल तो पूरा अलायंस वहां उन्होंने बनाया, अल्ताफ बुखारी हैं, सज्जाद गनी लोन है, वो तीनों एक अलायंस आपके खिलाफ वहां पूरा खड़ा हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है ना, ये पहली बार हुआ नहीं है। और अगर बीजेपी वाले हमें हराने के लिए अब इन लोगों से मदद मांगने की पोजिशन में आ गए हैं, तो उसी से आपको पता चल जाता है कि हमारे उम्मीदवार जो हैं कितने मतलब मजबूत हैं और कितना मुश्किल होगा उनको हराना। ये लोग एक साथ आए और खुलम खुल्ला आ गए हैं, अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर के वोटर जो हैं अपना फैसला जिस दिन बटन दबाना होगा बटन दबा के अपना फैसला सुना देंगे। मैसेज तो होगा ही, 5 अगस्त 2019 के बाद हालांकि लोकल लेवल के इलेक्शंस हुए थे, बड़े पैमाने पे तो ये पहला इलेक्शन है। और आप ये भी देखें कि जो हमारा जमहूरी हक था अपनी हुकूमत चुनने का असेंबली इलेक्शंस के ज़रिए, उससे भी हमें महरूम रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही वहाँ पे इलेक्शन कराने का फ़ैसला लिया गया है। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़ चढ़ के वहाँ के लोग जो हैं इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और बीजेपी को 5 अगस्त 2019 का जो पैगाम भेजना होगा वो इस मतलब इतना ज़ोर शोर के भेजेंगे कि पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। उमर साहब, उधर टारगेट 370 रखा गया है बीजेपी का, 370 सीटें जीतनी और 400 एनडीए का, 370 का आप क्या कहेंगे, 370 टारगेट तो पूरा होगा कि नहीं? ना रखें टारगेट, मैं कहता हूँ 370 क्यों, उससे ज़्यादा रखना चाहिए था, 450 तो क्या देते नीतीश, अब क्या छोड़ा क्यों उन्होंने, एक भी नहीं छोड़ते हमारे लिए टारगेट रखने में क्या, मैं कह दूंगा ना अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हम 500 सीटों पे कामयाब होंगे, लड़ हम तीन रहे हैं और 500 पे हम कामयाब होंगे, टारगेट रखने में क्या जाता है ना, टारगेट तो कोई भी रख सकता, लेकिन बौखलाहट तो ज़रूर है उनमें, जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जिस तरह गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जिस तरह छापे किए जा रहे हैं, जिस तरह कांग्रेस के अकाउंट्स को सीज किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई कॉन्फिडेंस दिख रहा है, मुझे तो इसमें बौखलाहट नज़र आ रही है, मुझे इसमें लग रहा है जैसे कि थोड़ी सी घबराहट है, क्योंकि अगर वो वाकई इतने ताकतवर होते इस तरह गिरफ्तारियाँ छापे कांग्रेस के अकाउंट्स को सीज करने की कोशिश, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो आराम से सीटें जीत जाते। आपने अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखा हो ये कहते हुए कि हम कोई भी सीट नहीं जीतेंगे या हमसे एक भी सीट रह जाएगा? अब बीजेपी वाले 370 की बात कर रहे हैं, उनसे तो आप स्वॉट एनालिसिस नहीं पूछते, प्रधानमंत्री जी 400 सीटों की बात करते हैं, ज़रा उनको ज़रा कहीं इंटरव्यू में बिठा के उनसे स्वॉट एनालिसिस मांगिए 400 सीटों का, स्वॉट आपको हमसे चाहिए, मैं आपसे कह रहा हूँ हम छः सीटों पर जीत जाएंगे, 6 के 6 सीटों पर हमारे उम्मीदवार कामयाब होंगे और माहौल हमारे हक में है। कि हम तो चाहते हैं, उनका लगाव है उत्तर प्रदेश से और इन सीटों से उनका लगाव है, लेकिन जब हमने उनको लीडर माना है तो जब वो फैसला करेंगे तभी हम आगे बात करेंगे, वो लीडर हैं और फैसले हम करें तो ये तो सही नहीं होगा ना, तो वो करेंगे, उनको इसका पूरा ध्यान है और जब वो फैसला करेंगे तब आपके सामने बात रखी जाएगी, जब बात रखी जाएगी तो उस पर आप विस्तार से
जो भी समीक्षा चाहेंगे, जो भी आप हमसे पूछना चाहेंगे, वो हम उस पर आपको ज़रूर जवाब देंगे। आप मुझे क्यों लेफ्ट और आप मुझे कांग्रेस और लेफ्ट के झगड़े में क्यों डाल रहे हैं? मेरा लेफ्ट मेरे लेफ्ट के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे कांग्रेस के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। ये कांग्रेस और लेफ्ट के लिए सवाल है, इसका जम्मू कश्मीर से क्या लेना देना? चलिए आ जाने दीजिए, थैंक यू।